नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे छोटे से लेकर जो हम क्रियाएं करते हैं वह हमारी क्रियाएं हमारे शरीर पर एक नया प्रभाव डालती हैं। उनमें से एक क्रिया है साइकिल चलाना। बचपन में बच्चों को साइकिल चलाना बहुत पसंद होता है और साइकिल चलाने के साथ साथ वह अनुभवी हो जाते हैं उस रोड को तैयार करने के लिए कि हम रोड पर किस प्रकार से अपने आप को आकर्षित कर सकते हैं और उस रोड को समझने के लिए और अपनी दिशाओं को समझाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए बचपन से ही हम उस डायरेक्शन को सिखाते हैं और सिखाने के साथ साथ उस बच्चे को यह भी समझाते हैं कि ये हमारी कल्पना और हमारी क्रियाएं हैं जो हमारी पुरातात्विक से चल रही हैं। वैसे तो माना जाए कि वैज्ञानिक रूप से देखा जाता है कि हमारे साइकिल चलाने से हमारी सारी हड्डियां और मांसपेशियां खिंचती हैं, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों को ताकत मिलती है और हम किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साइकिल चलाना बच्चों का एक अनुभवी कार्य होता है, जिससे बच्चे सीखते हैं कि एक पैर से दूसरे पैर को किस प्रकार से अपने आप में परिवर्तित किया जाता है। पूरे जीवन की कुंडी जुड़ी हुई है, यानी कि पूरी जिंदगी का हमारा सार एक साइकिल के द्वारा ही समझ सकते हैं। क्योंकि यदि हम एक पैडल चलाते हैं तो उसके बाद दूसरा पैडल चलाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यदि हम साथ साथ चलते हैं तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। और यदि हम उस चीज को अलग अलग करके और बंटवारे के हिसाब से करते हैं तो कभी भी उस कार्य को स्थिर से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए साइकिल का पुराणों में बहुत महत्व माना जाता है हमारी जिंदगी से। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस साइकिल को बचपन से चलाना तो सीखता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दौर को भी सीख लेता है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। तो ये है साइकिल चलाने के महत्व। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।